हाय एवरीवन, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल बट टेस्टी और सबको पसंद आने वाली सेजवान चटनी, जो मैं अपने स्टाइल में बना रही हूँ, मतलब जैसे मैं घर पे बनाती हूँ, बट यस मार्केट से भी टेस्टी बनती है। इसके लिए मैंने टमेटोज़ को एकदम प्योरी बना लिया है, टमेटो प्योरी है मतलब, और लहसुन लिया है आधा कटोरी और एक पीस लिया है अदरक, और ये है साबुत लाल मिर्ची जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और ठंडा कर लिया है। इसका भी पेस्ट बनाने वाले हैं हम। सबसे पहले हम गरम करने वाले हैं कढ़ाई या पैन जिसमें भी आप बना रहे हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेना है हमें, तो वो आपको पता है कि चटनी बहुत दिन तक स्टोर करने के लिए भी इस तो इसलिए तो देखिए पेस्ट इस तरीके से बनाना, बिल्कुल फाइन नहीं बनाना है, हल्का सा दरदरा। अब ऑयल गर्म हो गया है तो इसमें सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। लहसुन थोड़ा ज़्यादा लेना है, जैसा मैंने कहा मैंने आधा कटोरी लिया है। मैंने इसको मिक्सी में ही दरदरा पीसा है रोक रोक के चलाकर, और आप चाहें तो इसे चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप नहीं किया है, मेरी बिटिया खाती नहीं है अगर गलती से भी पीस आ जाए तो। और ये अदरक भी इसी तरीके से ग्रेट करके और इसे अब 1 मिनट 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है जब लहसुन को आप रोस्ट करते हैं, बहुत अच्छा। तो अब ये 1.5-2 मिनट हो गई हैं, अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ साबुत लाल मिर्च का पेस्ट, ताकि उसका जो तीखापन होता है वो और कच्चापन चला जाए। इसलिए पहले हम मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और उसे पकाएंगे। फ्लेम मैं तेज पे ही रखती हूँ ताकि फटाफट एक ही फ्लेम पे पक जाए, आप चाहें तो मीडियम फ्लेम पे भी पका सकते हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और पकाएंगे। अब देखिए ये भी अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं टमाटो प्योरी। टमाटो प्योरी आप ऐड कर सकते हैं, 1/2 kg की मैंने ऐड की है, आप थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1/2 kg ऐड किया है। और जो सैलेड वाले टमाटर होते हैं उनकी प्योरी मैंने बनाई है, तो अब मैं इसमें प्योरी ऐड कर दूंगी। पर इसे अच्छे से मिर्ची को पकाना है कि बिल्कुल इसका कच्चापन ना आए, और देखिए कितनी एकदम मार्केट के जैसी प्योरी लग रही है। अब इसे मिक्स कर देंगे। अभी मैंने इसमें और कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है, अब इसे मिक्स करके हम पका लेंगे, और जब ये पक जाएगा थिक हो जाएगा उसके बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं सोया सॉस 1.5 चम्मच के करीब। मैं अपने आइडिया से डाल रही हूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं बनाती रहती हूँ हर 10-15 दिन में, तो इसी वजह से आज सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ फटाफट झटपट वाली। तो इसी वजह से मेरी बेटी के दोस्तों को बहुत पसंद है टिफ़िन में, और आपको पता है बैक टू स्कूल हो गए हैं बच्चे, बच्चों के स्कूल खुल गया है, तो इसलिए मैंने बनाई। विनेगर ऐड किया है मैंने, ये भी 1.5 से 2 चम्मच, और कैचअप ऐड कर रही हूँ, और बिल्कुल थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमने कैचअप भी ऐड किया है, वो भी मीठा होता है, लेकिन ये खट्टे मीठे के बैलेंस के लिए। और अच्छे से मिक्स करके इसे ढक के पका देंगे। थिकनेस आपको कितनी रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी, तो जैसी मार्केट में आती है मैं वैसी थिकनेस रखती हूँ, तो आप देखिए। और लास्ट में जब पक गई है तब मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिए सॉल्ट, और उसके बाद फिर 5 मिनट बिल्कुल कम पे से पका लीजिए, और आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है, रेडी है, इंजॉय।